सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हेलो हेलो, मिस्टर करण बोल रहे हैं? करण सिंह रावत? हाँ जी, हाँ, मैं गीता कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं। सिविल डिफेंस से? हाँ जी। एक तो आपका सी फॉर्म आ गया है, उसे निकाल लो आप। ठीक है सर। ठीक है, कलर में निकालना, मोटे पेपर में। अच्छा, दूसरा ये है कि अब जो है इसमें एक बीमा होगा आपका। अच्छा, तो इसमें नॉमिनी किसे बनाओगे आप? सर बीमा का तो मैं एक्चुअली मैंने ये SDM ऑफिस में पूछा था, वो मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता बीमा। नहीं नहीं होता है। सर अच्छा चलिए बताइए आप फिर। ठीक है, इसमें जो है नॉमिनी का एक नाम देना होगा आपको। अच्छा, नॉमिनी जैसा बनाना चाहोगे, और तुम्हारे पास लिस्ट आएगी, ये नहीं कि लिस्ट नहीं आएगी। अच्छा तो ये पैसे कैसे देने होंगे आपको? पैसे अकाउंट नंबर में देने होंगे आपको। नहीं आप ऑफिस बता दीजिए, मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, वहीं पे जमा करवा रहे। चेक सिविल डिफेंस के नाम से बनेगा ना चेक? चेक नहीं बनेगा ये, फिर ये अभी जमा हो गए आपके पैसे। अच्छा, उसके बाद जो है जब आप ट्रेनिंग हो जाएगी, ड्यूटी पे लग जाओगे, उसके बाद आपको चेक मिलेगा सैलरी के साथ। ये नीरज, नीरज जी है ना आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए ऐसे तो मैं पैसे नहीं दूंगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर ऑफिस है आपका, अगर गीता कॉलोनी में सिविल डिफेंस के अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ऑफिस आ जाता हूँ, मैं आपको वहां हाथ में पकड़ा दूंगा और सिविल डिफेंस के नाम पे चेक दूंगा आपको, मैं कैश भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं ये आपको जो है चेक नहीं चलेगा, कैसे देना होगा ये? नहीं सर ऐसे तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने SDM ऑफिस मैंने पता करा था, उन्होंने साफ मुझे मना करा था कि ऐसा कुछ अमाउंट नहीं लग रहा है। और कई ऐसे बंदे हैं जिन जिनका बिना पैसे लगे इनका ड्यूटी चढ़ चुके हैं और कर रहे हैं वो लोग। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे बंदे बहुत हैं जो ड्यूटी लग चुके हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है उन्हें। 6-6 महीने हो गए कोई सैलरी नहीं मिल रही है, पता नहीं करना। सर मिल रही है उन्हें, क्यों नहीं मिल रही? मेरे खुद के दोस्त हैं जो 2 महीने से कर रहे हैं और बिना पैसे उनके लगे, जो नॉर्मली फीस लगती है बस वही लगी, और देन उसके बाद उनकी सैलरी भी आ रही है। चलिए अच्छी बात है फिर। पर सर अगर मैं, अगर ये आप जो चीज बता रहे हैं मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट आपका अगर ऑफिस है तो मैं ऑफिस आके, अगर आप पैसे ही तो चाहिए ना बीमा के, अगर हम सिविल डिफेंस में भर्ती हो रहे हैं। सारी चीजें होती हैं, आगे भी नाम जाता होता है आपका, ये नहीं होता कि एक ही काम होगा, अभी आपकी ट्रेनिंग है, सारी चीजें। सर मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं, मेरे घर वाले ऐसे नहीं देंगे ना। अगर मैं किसी, अगर मैंने सिविल डिफेंस का फॉर्म भरा है तो मुझे, मेरे घर वालों का मुझे तो ये सेटिस्फेक्शन हो। जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है, मेरा काम था आपको फोन करना, आप यस कर दूंगा। ठीक है सर, मैं अगर गीता कॉलोनी में, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वो इतनी बात नहीं बता सकते ना, जब आपका काम हो रहा सर, आप सिविल डिफेंस से आप बात कर रहे हैं तो आप मुझे एड्रेस तो बताएंगे ना, कहाँ से बोल रहे हैं कहाँ से नहीं बोल रहे? गीता कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे खुद वहाँ पे चाचा जाते हैं गीता कॉलोनी में, तो मैं, आप बता दीजिए, मैं अपने भाई भाई को भेज के वहाँ पे पता कंफर्म करवा लूंगा, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूंगा आपको। आप ऑफिस का एड्रेस तो बताइए। ऐसे नहीं बता सकते ना हम आपको, गीता कॉलोनी जब बोल दिया आपका काम नहीं होगा, अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि कोई वैसा गैर नंबर दे रहा हूँ। नहीं सर सॉरी, कुछ नहीं होता, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं दूंगा पैसे। ऐसे किसी भी तरह के पैसे नहीं मांगे जाते हैं सिविल डिफेंस में। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है किसी भी तरह से, वो भी कैश मांग रहा है, अगर चेक मांग रहा है तो भी हम एक बार को दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सिविल डिफेंस के नाम से चेक बनेगा तो वो तो दिल्ली सिविल डिफेंस के खाते में जाएगा, तो हम तो उस टाइम पे तो दे सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका था पैसे मांगने का, ये सरासर गलत है। अगर कोई आपसे ऐसे पैसे मांगता है तो पुलिस कंप्लेंट करिए, अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताइए कि ऐसे मेरे पास कॉल आया था, उस कॉल जो नंबर है उस नंबर को दिल्ली पुलिस को दीजिए और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इन सब फ्रॉड से बच के रहिए। कोई सवाल हो आपके, कोई सुझाव हो आपके, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, अगर आप करियर बाबा जी लिखेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा, और वहां पे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान डायरेक्ट मुझसे बात करके पा सकते हैं। बल्कि आप मुझसे वॉइस नोट में ही बात कर सकते हैं, आप टाइपिंग करके ही बात कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप वहां से बात कर सकते हैं। इन सब फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। कोई पैसा नहीं लगता है सिविल डिफेंस ज्वाइन करने का, सिर्फ आप जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं सिर्फ उसके पैसे लगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।